तो आज हमने बनाया सांभर की रेसिपी। तो ये रेसिपी बहुत ही आसान है, इसको हमने खाया है रवा इडली के साथ। तो मैंने सोचा चलो आज रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। तो सबसे पहले मैंने तुअर दाल भिगाए थे, उसे मैंने पानी डालकर और अब इसमें थोड़ा दो बड़े टमाटर डाल दिए कटे हुए, थोड़ा नमक डाल दिया, थोड़ी सी हल्दी डाल दी। इन सबको डालने के बाद मैंने इसमें थोड़ा सा घिया डाला, आप अपनी पसंद की वेजीज चूज़ कर सकते हैं, और थोड़ा सा सहजन डाल दिया। तो मैं अगर वेजीज कम होगी तो मुझे सांभर ज़्यादा अच्छा लगता है। इसके बाद मैंने इसमें थोड़ा सा राई, थोड़ा सा जीरा का तड़का दिया, थोड़ा सा करी पत्ता डाला और उसके बाद सूखी लाल मिर्च को डाला। इसको डालने के बाद मैंने इसमें थोड़ा सा लहसुन डाल दिया और छोटे वाले प्याज डाले जो कि सांभर की प्याज होती है, उसको मैंने डाल दिया। डालने के बाद इसको पकाने के बाद मैंने अपने दाल को इसमें डाल दिया है। उसके बाद आई मोस्ट इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट डालने की बारी, वो थी सांभर मसाला। तो मैंने दो बड़े बड़े चम्मच सांभर मसाला इसमें डाला। इसको डालने के बाद मैंने इसको मिक्स कर दिया है। अब इसमें डालेंगे थोड़ा सा खट्टेपन के लिए हमने दो बड़े चम्मच इमली का पल्प डाल दिया, इससे थोड़ा सा और खट्टा टेस्ट हो जाएगा और ये खाने में और भी अच्छा लगेगा। फिर इसमें हम थोड़ी सी मिठास की ज़रूरत होती है, तो हमने डाला थोड़ा सा गुड़ इसमें। गुड़ डालने के बाद और फिर मैंने धनिया पत्ता डाल दिया, तो हमारा सांभर बिल्कुल रेडी है। आज हमने इसको खाया मूँगफली की चटनी के साथ और रवा इडली के साथ। ये सांभर खाने में लाजवाब था, आप इसे ज़रूर बनाएं।